आपको आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं, हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है आपके नेताओं को। नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं कोबरा पोस्ट। दिल्ली मॉडल के दम पर पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब गुजरात को लेकर मिशन मोड पर आ गई है और यहां भी उसी मॉडल के दम पर बीजेपी के 27 साल के शासन को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। और इसी राह में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा सियासी हथियार वो ऑटो वाले बन सकते हैं जिन्होंने पहले ही दिल्ली और फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन दिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में ऑटो कैंपेन की शुरुआत कर दी है और इस कड़ी में उन्होंने तमाम ऑटो ड्राइवरों के साथ संवाद स्थापित किया है और इस संवाद के दौरान बड़ी बात ये रही है कि एक ऑटो चालक ने केजरीवाल को अपने घर खाने पर आने का न्योता दे दिया और उसने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप पंजाब में एक ऑटो चालक के घर डिनर करने गए थे और क्या आप मेरे घर भी रात के खाने के लिए आएंगे, और ऑटो चालक के न्योता पर केजरीवाल ने हामी भर दी और फिर रात में उनके घर जाने की तैयारी होने लगी। लेकिन गुजरात पुलिस ने ये कहकर उन्हें ऑटो में जाने से मना कर दिया कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। वहीं पुलिस के मना करने के बाद जमकर बवाल हुआ और केजरीवाल ने दो टूक कह दिया कि उन्हें गुजरात पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए और उन्हें जबरदस्ती कैद नहीं किया जा सकता। हालांकि अरविंद केजरीवाल उस ऑटो ड्राइवर के घर भी गए और वहां पर भोजन भी किया और आपकी तरफ से उनकी एक तस्वीर भी ट्वीट की गई है। और अब ऑटो वालों से संवाद करना, उनको ध्यान रखते हुए बड़े वादे करना आम आदमी पार्टी की ये पुरानी चुनावी रणनीति है और इसकी शुरुआत दिल्ली से ही उन्होंने कर दी थी। बता दें कि 2013 से ही आपने दिल्ली में ऑटो वालों को एक अलग वोटर के रूप में देखा है और जिसके जरिए बड़े स्तर पर पार्टी की योजनाओं वादों का प्रचार भी हुआ है और उन्हीं के जरिए आम आदमी वाली छवि को बल देने का प्रयास रहा है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि ऑटो वालों ने आम आदमी पार्टी का जमकर प्रचार किया और हर ऑटो पर पार्टी के पोस्टर लगे थे और झाड़ू को वोट देने की बात होती थी और इसका बड़ा कारण ये था कि अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़कर इन ऑटो वालों से सीधा संवाद स्थापित किया था और वो ऑटो यूनियन से बात किया करते थे और उस समय केजरीवाल की जो रणनीति थी उसमें दिल्ली के ऑटो वालों को विक्टिम या पीड़ित के रूप में दिखाया गया था और उस समय कहा गया था कि ऑटो वालों को हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है और तब आप संयोजक ने ये नारा दिया था कि ऑटो वाले माफिया नहीं बल्कि विक्टिम हैं। उनका इतना कहना ही दिल्ली के ऑटो वालों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में कर गया था। वहीं इस साल पंजाब चुनाव में प्रचार के दौरान खुद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्हें 70% वोट ऑटो और टैक्सी वालों से मिले थे और भारी संख्या में ऑटो वालों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है, तो सरकार ने भी समय समय पर इस समुदाय को बड़ी रियायतें दी है। 2019 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने ऑटो का किराया बढ़ा दिया था, इसी तरह इस साल फिर ऑटो का किराया बढ़ाने को लेकर अहम मंथन हुआ है और शुरुआती 1.5 किलोमीटर का 25 रुपये आधार शुल्क से बढ़ाकर 30 रुपये करने की बात हो रही है। इसके अलावा दिल्ली की आप सरकार ने ऑटो पर लगने वाले 600 रुपये के फिटनेस चार्ज को माफ कर दिया है और ऑटो रजिस्ट्रेशन फीस को 1000 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दिया गया है और ये सब करने के पीछे सियासी मकसद है
क्योंकि अकेले दिल्ली में 90,000 से ज़्यादा ऑटो रजिस्टर्ड हैं और ऐसे में इनके हर परिवार के 3 सदस्य को भी जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में ऑटो वालों को खुश कर आम आदमी पार्टी ये 3 लाख वोट अपने पाले में करने की कोशिश करती रहती है। आपके ऊपर धब्बा ये, आपको आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर, जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ हमें सर, आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सब कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर, मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी, आप मुझे ऑटो में जाने के लिए, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।